So now we can present your presentation, Mr. Hello everyone, I am Gurkiraj Singh of BSc Second Semester 4, roll number 2806. Today I am going to give a PowerPoint presentation on vector model of an atom and spin orbit coupling under the guidance of Dr. Sanjeev Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Physics. So my first topic is vector model of an atom or coupling of angular momenta. The total angular momenta of an electron is due to the combination of orbital angular momentum and spin momentum of the electron. Meaning, a total angular momentum जो एक electron का होता है, वो total add up होता है जो उसका खुद का orbital orbit में जो वो rotate करता है, उसका angular momentum और जो वो खुद एक spin करता है, उसका angular momentum. एंड इसको ऑब्टेन किया जाता है उससे एडिशन करके. सो लेट अस कंसीडर एन एटम हुज टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और सिंगली आयनाइज हीलियम एटम. The magnitude of orbital angular momentum L vector of an atomic electron is given by modulus of L vector equals to L into L plus 1 the whole root into h cut, where L is the orbital quantum number. इस equation में जो ये L small L है ये orbital quantum number होता है और इसका z component होता है Lz is equal to ml h cut. Where ML is the magnetic quantum number और इसकी value L से लेके minus L तक होती है. ऐसे similarly हमने spin angular momentum की value निकालनी है तो वो होती है modulus S vector equals to S into S plus 1 whole root into h cut. यहाँ पे S equals to 1 by 2 होता है और ये spin quantum number होता है और इसका z component फिर बन जाता है s z is equal to ms into h cut. यहाँ पे ms होता है magnetic spin quantum number और इसकी दो value होती है plus and minus 1 by 2. अब total angular momentum निकालना है हमने ये one electron atom का जो होता है h j vector equals to l vector plus s vector, बस addition कर देंगे. तो magnitude हो गया total का J vector modulus equals to J into J plus 1 whole root into H cap. यहाँ पे जो ये small j है ये होता है inner quantum number और इसका भी z component हम निकालेंगे तो J z equals to mj into H cap. यहाँ पे mj होता है magnetic quantum number and the possible values of mj equals to J से लेके minus J तक. J z equal to L z plus L z. तो हमने इसकी वैल्यूज पुट करी तो आगे एम जे इक्वल टू एम एल प्लस एम एस. अब J J वेक्टर S वेक्टर एंड L वेक्टर ये सभी क्वांटाइज्ड होते हैं. इनके पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी है. इनकी टोटल इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, इनकी पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं तो इनकी स्पेसिफिक रिलेटिव ओरिएंटेशन ही होगी. तो एस वेक्टर एंड एल वेक्टर का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे पे टॉर्क एक्सर्ट करते हैं. तो फिर ये इंटरनल टॉर्क इनकी कोई मैग्नीट्यूड तो चेंज करती नहीं लेकिन इससे वो बहुत यूनिफॉर्मली प्रीसेट करते हैं जे वेक्टर के अराउंड. तो फिर जे वेक्टर कंजर्व हो जाता है जब तक कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट ना करे एटम पे. जैसा कि आप जे डायग्राम में देख सकते हैं सेंटर में जे वेक्टर कंजर्व है और उसके अराउंड एल वेक्टर और एस वेक्टर यूनिफॉर्मली प्रीसेस कर रहे हैं. अब मेरा सेकंड टॉपिक है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में हम
The electron in an atom has spin, angular momentum associated with orbital motion and spin motion. जो हम पढ़ के आते हैं, एक momentum दोनों का होता है, orbital का भी और spin का भी, जो add होके total बन जाता है angular momentum of an atom. The orbital motion of an electron gives rise to an internal magnetic field. जो ये orbital motion होता है, ये electron को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को राइज देते हैं. द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विद दिस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम. जो फिर जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड राइज हुई, जिससे जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करके मॉडिफिकेशन करके एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम. द इंटरैक्शन इज बिटवीन द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट and spin magnetic moment and is called spin orbit coupling. Suppose करो an electron is moving in a circular orbit of radius r around the nucleus with a speed of v e like this. अब ये दोनों movement relative होती है, means अगर electron move around कर रहा है nucleus से, तो nucleus में अगर हम इलेक्ट्रॉन पे एक रिलेटिवली देखें तो न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लेकिन स्पीड सेम होती है. तो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि एक फ्लो करंट हो रहा है एक सर्कुलर रूप के अराउंड रेडियस ऑफ आर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप एट द सेंटर इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, लेकिन आई की वैल्यू होती है जेड ई अपॉन टी, और टी होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस. तो ये हो गया 2πr अपॉन बी ई. तो बी की एंड पे वैल्यू बनी म्यू नॉट जेड ई बी ई अपॉन 4πr स्क्वायर. अब हम इसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ दी, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. तो बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट जेड ई इंटू आर वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय बी ई वेक्टर अपॉन 4πr³ इक्वल्स टू म्यू नॉट जेड ई इंटू आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय एम ई बी ई वेक्टर अपॉन 4πmvr³. अब r into MEVE vector equals to r vector cross t vector, जो होता है angular momentum equals to l vector. तो b vector equals to mu naught z e l vector upon 4πmvr³. तो b vector equals to z e l vector upon 4π epsilon naught m e c square r³. Because epsilon naught into mu naught equals to 1 by c square. अब mu s vector suppose करो, if mu s vector be the spin magnetic moment of the electron, then the interaction energy due to magnetic field is given by E m dash equals to minus mu s US vector equals to minus GS mu B S vector upon H cap equals to minus 2 mu B S vector upon H cap, because GS की वैल्यू है 2. तो EM vector equals to Z E square upon 4π epsilon naught M E square C square r³ S vector dot L vector. अब ये जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, इसमें हमने रेस्ट पे सपोज किया था, पर लेकिन अगर इसको तो ये नॉर्मल रिलेटिविस्टिक हो गया, तो इसको हम अगर नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बाय हाफ, एंड दिस इज नोन एज थॉमस प्रोसीजर. तो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एनर्जी बिकम ई एम इक्वल्स टू हाफ ई एम डैश. तो ये बन गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई स्क्वायर सी स्क्वायर आर क्यू
H vector dot L vector. तो कैलकुलेशन करने के बाद J dot J की करने के बाद हमको H dot L की वैल्यू पता चली, J into J plus 1 minus L into L plus 1 minus H into H plus 1 and whole multiplied by H cut square upon 2. And EM equals to that E square upon 16 pi epsilon naught M E square C square R cube into J plus 1 minus L into L plus 1 minus H into H plus 1 and 4 multiplied by H cut square by 2. Energy of the atom, then the total energy of the atom in the presence of pin orbit coupling is given by E equals to En plus Em. Means कि अगर En हम energy suppose कर ले nth state में atom की, तो total energy is जो हमने निकाली है Em और ये En इसका addition बन जाती है. Reference Dinesh Quantum Physics 2 by S K Sharma and Shalini Sharma and internet sources. And the acknowledgement, I would like to express my special thanks of gratitude to my physics teacher, Dr. Sanjeev Kumar, who gave me a golden opportunity to do this presentation and also provided support in completing it. Thank you. So finished. Thank you, Gurjit. Kindly remain your presentation. Please share your presentation. So that someone can ask a question. So this presentation is now open for questioning. If anyone can, if anyone have question related to this topic, then they can ask. कुछ भी कोई questions आता है पूछ लीजिए आपको. Sir. हाँ जी हाँ जी. सर एक क्वेश्चन पूछना था, जी की वैल्यू 2 क्यों आई सर? जी की वैल्यू 2 क्यों आई था, ये जो कि था डायरेक्ट प्रेजेंटर से पूछ रहे हैं. ये स्लाइड ओपन करना जहां पे जी की वैल्यू पुट की थी. हाँ यहीं पे बेसिकली बताओ फिर उनको फिर आप बताओ पहले फिर मैं हिंट्स देता हूँ. बेसिकली दिस इज अ लैंडिंग वी फैक्टर एज वी हैव स्टडीड राइट दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली राइट. इस तरह से उसकी ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का, इस तरह का उसका मोशन है और उसको एक्सप्लेन करता है किसी एटॉमिक एटम्स के इनसाइड में. और ऑर्बिटल्स के लिए 1 हम यूज करते हैं और स्पिन के लिए 2 यूज करते हैं. और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखे हैं जिसमें इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे तीनों क्वान्टिटी की एल की एस की एम की तो ये वैल्यू की आती है उसके से. Am I right, Gurkirat? Yes. Nikhil, is it clear? Yes, sir. Okay. Or quick question? Sangam, Jaspreet, Dikshito, Ventini, excuse me, sir. Aage aap, question hai kuch? Sir, ek wo jo सर्कुलर ग्राफ वाला स्लाइड थी जो रिप्रेजेंट कीजिए सर्कुलर ग्राफ जो आप डेरिवेशन आपने कर रहे थे ना उसमें बहुत ही अच्छा आपने डायग्राम बना रखे हैं और मोशन उसमें कर के और यस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये डायग्राम थोड़ी समझ नहीं आई. हाँ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम को. ओके सर कर देते हैं सर. मैं स्लाइड
स्लाइड को सेपरेट करके एक्सप्लेन कर दो, नहीं नहीं आप स्क्रीन पर रखिए ऐसे ही आप समझाने की कोशिश कीजिए। चलो रिकॉर्डिंग ये देखो, पहले तो ये न्यूक्लियस है जेटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। आप एक्सप्लेन करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड ऑफ बी वेक्टर, और ये रेडियस हो गया एटम का आर वेक्टर। अब ये दोनों रिलेटिविस्टिक है, मीन्स अगर एक को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे तो न्यूक्लियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो न्यूक्लियस भी ऑर्बिट कर रहा है अराउंड एन ऑर्बिट, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा विद सेम स्पीड बी। तो इससे हम ये सपोज कर सकते हैं कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रोटेट कर रहा है अराउंड एन ऑर्बिट, तो वो इस करंट लूप की तरह बिहेव करता है। जो हमने प्लस टू में पढ़ रखे हैं करंट लूप से, उससे हम कहीं करंट फ्लो होगा किसी सर्कुलर लूप में तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, है ना, उसका डायरेक्शन अगर हम उस फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जो कैलकुलेट किया उसी फॉर्मुलेशन को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। बस यही है कि हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, जब एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे तो वापस जो जनरल मतलब एक्चुअल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हमें कन्वर्ट करके एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। उस एनर्जी को हम बेसिक एनर्जी में मतलब जो विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है उस एनर्जी में ऐड करते हैं। सिंपल ओवरऑल क्या है कि हमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में ये स्टडी किए कि हम स्पिन ऑर्बिट अगर इंट्रैक्शन को अगर हम इम्प्लीमाई करते हैं, कंसीडर करते हैं किसी एटॉमिक सिस्टम में, तो उसकी एनर्जी स्टेट एज इट इज नहीं रहती है, उसकी एनर्जी में मॉडिफिकेशन होने को जाती है, राइट। एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई एन प्लस ई एन, है ना, दिस इज अ चेंज इन एनर्जी लेवल्स, राइट। तो उसी के लिए ये डायग्राम प्रॉपर वे में यहाँ पर बताया, राइट। और कोई क्वेश्चन क्लियर है? देखिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर कुछ पता लगा? और कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है इनसे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना है, प्रेजेंटली भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और किसी पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत आपके लिए कि वेक्टर एटम मॉडल इसको क्या कहते हैं। चलो एटम के बारे में तो आपने बता दिया, और इसको वेक्टर एटम क्यों कहते हैं ना, वेक्टर एटम मॉडल एटम क्यों कहते हैं? हाँ जी, वेक्टर मॉडल क्यों कहते हैं? सॉरी फिर से बोलिए सर, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि मतलब बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एटम मॉडल, वेक्टर क्यों टर्म बोल रहे हैं, बस इतना क्वेश्चन बता दें। शुरू में ही आपने सर बिकॉज़ कि उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसमें। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालते हैं? यस सर। ठीक है, सेकंड स्लाइड रिप्रेजेंट कीजिए जहाँ पर आप डेरिवेशन कर रहे थे ना, आपने फॉर्मूला लिखे थे ना, वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। इसके पहले और जहाँ पर आपने हाँ यहाँ लिखे ना, मैं तो देखिए हम लोग क्वांटिटी को जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो यहाँ पर ये सारा वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर हमने बॉदर कर रखे हैं, इवन जो कंपोनेंट है उसमें तो फिर वेक्टर नहीं आएगा, राइट, जैसे उसके कंपोनेंट को हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो
यहाँ पे जैसे भी टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी को टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमने उसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हमने वेक्टोरियली ऐड किया है, ना कि हमने ऐसे सिंपल अलजेब्रा से ऐड किया, राइट। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, जो वेक्टर एटम मॉडल है, वो किसी एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में किस तरह से फिजिकल पैरामीटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, उसके बारे में बताता है, राइट। तो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टॉर्क एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपने कहा ना प्रिसीजन के बारे में कि जब ऑर्बिट और स्पिन में इंट्रैक्शन होती है तो जो उसकी ऑर्बिट्स होते हैं प्रिसाइज कर रहे हैं ना, प्रिसीजन होता है। तो क्या रिलेशन है टॉर्क मतलब उस पर एक्ट होने लगता है, क्या रिलेशन है बताइए। एक तो पहले डायग्राम रिप्रेजेंट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ तो इसमें देखो कि है ना जे इज वेक्टर, जे इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, है ना। ये स्पिन स्पिन के रोटेशन को, स्पिन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के इनसाइड में, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसके स्पिन मोशन को, और ये ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम उस एटम में होगा, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जे वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो इसमें अब ये ऑर्बिट कैसे होगा, प्रिसेस कैसे होगा, मतलब थोड़ा सा टिल्ट कैसे हो जाता है, तो टॉर्क की वजह से होता है, उसमें टॉर्क जनरेट होता है। तो ये टॉर्क ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से हो रहा है। तो क्या टॉर्क और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जा रहा है टॉर्क की वजह से, एक तरह का टॉर्क तो फोर्स ही है, तभी तो कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस करेगा, टिल्ट होगा। याद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट मैं ये बेसिक बॉदर कर रहा हूँ सो दैट कि ये सब चीजें हमें तैयार करके रखना है, ठीक है। इन चीजें के लिए तो आप ध्यान रखिएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू टी एल वेक्टर अपॉन डी टी, बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं, राइट। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, राइट। और एक क्वेश्चन आपने करंट कैलकुलेट किए हैं, राइट। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया ना, वो एक्सप्रेशन दिखाइए जो लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो स्लाइड शो कीजिए यहाँ पर। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में, हाँ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में जो आपने करंट कैलकुलेट, बस ये स्लाइड है। हाँ, यहाँ पर I इज इक्वल टू जेड ई अपॉन टी लिख रखते हैं, ये कैसे आया करंट का फॉर्मुलेशन, नो डाउट बेसिक ही है, तो मैं जस्ट बॉदर कर रहा हूँ कि क्या कैसे आया ये I। किसी और को भी मालूम है, जो भी स्टूडेंट बाकी लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं लेक्चर को, प्रेजेंटेशन को, उसमें भी अगर इसी को आंसर मालूम है इसका तो आप बता सकते हैं, राइट। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए प्रेजेंटर को, सपोर्ट करना चाहिए, जो डाउट है उसको पूछ लेना चाहिए। बिकॉज सर करंट का जो रिलेशन है, वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, यस सर। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम में चार्ज दैट ई है, हाइड्रोजन एटम में जो चार्ज है वो जेड ई है, Q इज इक्वल टू जेड ई है, तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, राइट। और यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। और ई इज द चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, चार्ज दैट पार्टिकल। इधर हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हम जो मोशन करा रहे हैं वो न्यूक्लियस का मोशन करा रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन का मोशन करा रहे हैं, राइट। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो उस प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज पॉजिटिव,
है ना 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम राइट। तो ये बेसिक चीज है आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंट किए, बहुत अच्छा आज डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन और लग गया आपके प्रेजेंटेशन में। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। शेयरिंग स्टॉप कर हैंड्स ऑन सर।